हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं नोट मेकिंग के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि नोट मेकिंग का जो टॉपिक है वो इतना टिपिकल है नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स उसे ज़्यादा टिपिकल मानते हैं। इसमें होता क्या है कि एक पैराग्राफ होता है और पैराग्राफ में से हमें नोट्स निकाल बनाने होते हैं, और जिस तरह से हमें टीचर वो लेक्चर्स नोट्स लिखवाते हैं हमारे लेसन के, उसी तरीके से हमें भी एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ में से हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो आइए, लेकिन नोट्स बनाने से पहले हम जान लेते हैं उन सभी रूल्स के बारे में, वो रूल्स कौन से, किस तरीके से नोट्स बनाए जाए। तो ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले बोर्ड पर मैं ये बताऊँगा नोट मेकिंग मतलब नोट्स बनाना। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूँ कि जो नोट्स बनेंगे ये क्लास 12th का एक पार्ट है, एक कंपोजिशन का, जिसके अंदर नोट्स बनेंगे आपके 4 मार्क्स के, और जो पैराग्राफ की समरी होगी वो समरी प्लस टाइटल ये होंगे 2 मार्क्स के, दोनों मिलाकर के हो गए 6। तो 6 नंबर का आपका ये टॉपिक है। आपको पहले मैं वह ये बता दूं आपको मार्किंग, और मार्किंग के बाद मैं बात करता हूं आपके इस नोट मेकिंग के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले इसके रूल्स देखिए आप, बिकॉज विदाउट रूल्स आप इसे नहीं समझ पाएंगे, और जब तक 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसे नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, नोट्स शुड बी रिटन इन ब्रीफ, कि नोट्स को संक्षिप्त में लिखना है आपको। जैसे हिंदी के अंदर आप सारांश लिखते हैं ना, छोटी छोटी बातें निकाल करके लिखते हैं, जैसे गद्यांश में से, उस तरीके से नोट्स शुड बी रिटन इन ब्रीफ। अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, आपको करना क्या होगा, आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें जो जो मेन पॉइंट है, मेन वर्ड्स है, उन सबको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद ये देखिए, यूज फ्रेजेस नॉट कंप्लीट सेंटेंस। आपको फ्रेज, फ्रेज मीन्स जो छोटे वाक्य होते हैं उपवाक्य, उनका ही यूज करना है, कंप्लीट सेंटेंस किसी को भी नहीं लिखना है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, कंप्लीट सेंटेंस किसी को नहीं लिखना है, आप पूरा सेंटेंस के सेंटेंस उतार दो, उसे नोट्स बनाना नहीं कहते हैं। आइए फिर देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इंफॉर्मेशन डिवाइड इन मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग। जो इन्फॉर्मेशन है, जो आप नोट्स बना रहे हो, जो सूचना है आपकी, जो सूचना दी गई पैराग्राफ में इन्फॉर्मेशन, उसको डिवाइड करना है। एक तो मेन हेडिंग, आप मेन हेडिंग ना बोलो तो उसे मेन सेक्शन भी बोल सकते हैं, और सब हेडिंग में। मेन हेडिंग में क्या होगा, इसे 1, 2, 3 इस तरह से लगा के लिखना है। अब मेन हेडिंग अगर आपने फर्स्ट ली है, फर्स्ट मेन हेडिंग, तो फर्स्ट मेन हेडिंग की जो सब हेडिंग है उसको आपको रोमन संख्या में लिखना पड़ेगा, और रोमन संख्या में इस तरीके से। ये मेन हेडिंग आपको बता दूं, एक पैराग्राफ में 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, और इसकी जो सब हेडिंग है, ये छोटे पॉइंट जिसे बोलते हैं सब पॉइंट यानी छोटे पॉइंट, वो आपके 1 से लेकर के 1, 2, 7 तक कितने भी हो सकते हैं। 2 तो होंगे मिनिमम आपके, 2 तो होंगी, 2 या 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन हेडिंग होगी वो 4-5 लाइनों में तो कम से कम आपकी सबसे पहले ऊपर 1 ही होगी। और आप मेन हेडिंग जो लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, वो आपको ध्यान देना है कि आप स्टार्टिंग के या कोई भी ऐसा वर्ड जो उस टॉपिक के बारे में वर्णन करता हो, डिस्क्राइब कर, जिसके बारे में आगे जानकारी दी गई हो, वो आपको इसके बारे में लिखना है। ओके, ये तो बात हो गई इंफॉर्मेशन को डिवाइड करना आपको। अब बात करता हूं मैं ओनली मिनिमम यूज ऑफ कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स, अदरवाइज डोंट यूज। कि आपको जो कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल्स है, इनका या तो यूज कीजिए, अदरवाइज इनका यूज नहीं करना है, मतलब कम से कम यूज, ओनली मिनिमम यूज। ओके, यूज सिंबल्स, सिंबल्स का यूज कीजिए। देखिए यहां सिंबल्स में प्लस अगर लिखा हुआ ऐसे आता है तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, डियर फोर लिखा हुआ आता है, डियर फोर का ये सिंबल होता है, सिंबल का यूज करेंगे। कॉपी को आप सीसी लिखेंगे, एंड को इस तरीके से, एम्परसेंट साइन, और भी इसके अलावा जो भी मल्टीप्लाईकेशन के, डिवाइडेशन के कई जो भी सिंबल होते हैं, उन सिंबल्स का यूज करेंगे। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए हम एब्रीविएशन को कैसे लिखेंगे, हम एब्रीविएशन एंड सिंबल्स। देखिए एब्रीविएशन में जैसे पोस्टल इंडेक्स नंबर, अगर थोड़ा बड़ा नाम दे रखा है और उसकी कोई शॉर्ट फॉर्म होती है तो आपको वो शॉर्ट फॉर्म ही यूज करनी है, उसको पूरे को नहीं लिखना है। नेशनल डिफेंस एकेडमी,
तो NDA इतना सा ही लिखना है आपको, पूरा नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं लिखना। इंडियन एयरफोर्स तो इसका IAF शॉर्ट फॉर्म ही लिखना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वर्ड्स का एब्रीविएशन भी कर सकते हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट शब्द दे रखा है तो गवर्नमेंट को आप GOVT राइट कर सकते हैं, ऑनरेबल को HON लिख सकते हैं। आपको बता दूं मैं ये जो वर्ड्स है इनके स्टार्टिंग लेटर में या जो एंडिंग लेटर है आप कोई से भी किसी से भी स्टार्ट और एंडिंग लेटर से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे रिटायर्ड में RT ले रखा है हमने, किलोग्राम में KG ले रखा है, इस तरीके से आप इनको एब्रीवेट करेंगे। और एब्रीवेट करोगे तो आपके नोट्स ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और ज़्यादा बेटर होंगे। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ऑथर्स स्टेटमेंट इन इन्वर्टेड कोमा, इन इन्वर्टेड कोमाज, अगर कोई भी idiom saying, कोई कहावत लोकोक्ति या मुहावरा किसी भी तरह का हो या किसी ऑथर का स्टेटमेंट हो या कोई राइटर की बात हो और वो बोली गई लिखी हुई तो उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये इन्वर्टेड कोमा में बंद है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इन्वर्टेड कोमा में बंद है। ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो इन सेंटेंस को आप अपने नोट्स में उस पर्सन का नाम देख करके इनको कंप्लीट राइट करेंगे, इनको साथ में इन्वर्टेड कोमा में बंद करेंगे। आइए अब देखते हैं, हम एक पैराग्राफ लेते हैं और उस पैराग्राफ की जो हेडिंग है, मैन हेडिंग है और सब हेडिंग है, वो कौन सी यूज की जाए, किस तरीके से उसकी नोट मेकिंग बनाई जाए। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात बता दूं समरी के बारे में, जो उस पूरे पैराग्राफ की समरी और बनेगी वो समरी भी आप देख लीजिए। आइए जान लेते हैं हम समरी के बारे में, जो समरी और टाइटल है उसके बारे में कि आपको करना क्या है। जो आपका पूरा पैराग्राफ दिया हुआ था उस पैराग्राफ में से नोट्स का काम आपने कर लिया, जो नोट्स का काम आपका हुआ 4 मार्क्स का, 4 नंबर का। अब बात करते हैं हम 2 नंबर के समरी और टाइटल की। तो समरी और टाइटल का बता दूं मैं कि जो समरी है वो होगी पूरे पैराग्राफ का आपका 33% पार्ट, इट मीन्स 1/3। तो ध्यान रखें यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, रीड केयरफुली कंप्लीट द पैसेज एंड अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। पूरे पैराग्राफ को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके जो मुख्य वर्ड है, मुख्य जो सेंटेंस है उसके अंदर मेन पॉइंट्स है, मतलब मुख्य सेंटेंस है, उनको आपको करना क्या है, अंडरलाइन करना है। फिर नंबर 2 है आपका फाइंड ए मेन सेंटेंस इन एवरी पैराग्राफ, प्रत्येक पैराग्राफ में आपको एक मुख्य सेंटेंस का पता लगाना है। नंबर 3 है मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है उन सभी पे आपको क्या शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जिस तरह आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्स के जरिए भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। समरी अप्रोक्सीमेटली शुड बी इन 1/3 पार्ट ऑफ द पैसेज, जो कंप्लीट पैसेज होता है उसका 33% हिस्सा होती है, ध्यान रखिएगा। सपोज दैट कि 33% आप कोई कितना दिमाग लगाए तो 25 अगर लाइंस है आपके पैराग्राफ की तो मैं बता दूं आपको 6 या 7 लाइन तक आपको कंप्लीट लेनी है, बस इसी में समरी को कंप्लीट करना है। नंबर 6 है वन वर्ड आल्सो कैन बी यूज्ड, कि आप वन वर्ड सॉरी ये हाँ नंबर 5 रह गया अपना, समरी शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट फॉर्म, जो समरी है अब उसे आप इनडायरेक्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट का नहीं करके, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं ना रिपोर्टेड स्पीच वाला, उस तरीके से इनडायरेक्ट फॉर्म में। और नंबर 6 है वन वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं, अगर कोई सेंटेंस वन वर्ड का बनता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आपके लिए सामने एक पैराग्राफ लाएंगे छोटा और उसका एक पैराग्राफ की हम आपको मेन हेडिंग और सब हेडिंग बना के दिखाएंगे आपके सामने, जिसे आप फिर घर बैठे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ध्यान, आइए स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड, ध्यान दीजिए इधर कि आपके सामने एक पैराग्राफ का मैंने छोटा सा पार्ट लिया है। कंप्लीट पैराग्राफ तो आप जानते हैं इसके ऊपर हम लिख नहीं सकते, फिर बाद में आंसर कहाँ बताएंगे। तो हमने एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है और आपको बता दूं यहाँ इस पैराग्राफ के अंडर में 2 क्वेश्चन दिए हुए आएंगे आपके, और वो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक्स नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग, कि जो ऊपर दिया गया पैसेज है उस पे आपके रीडिंग के आधार पर इसके आपको नोट्स बनाने हैं और वो नोट्स हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करके बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट ए समरी ऑफ, ये जो क्वेश्चन है ऊपर वाला नोट्स वाला ये होगा आपका 4 नंबर का, राइट ए समरी ऑफ द पैसेज एंड सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल।
आपको पूरे पैसेज की समरी सारांश जो 1/3 8 1/3 33% मैंने बताया था और जिसके रूल्स मैंने अभी आपको पीछे बता दिए, और उसका एक सूटेबल टाइटल लेना है। टाइटल मीन्स कि पूरा जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो पेपर में वो किसके ऊपर बताया गया है, किसके बारे में, अबाउट द किसके बारे में बताया गया है, इम्पोर्टेंस, स्पेसिलिटीज, फीचर्स, काफ़ी सारे ऑप्शंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कई चीज़ की होती है कि किन चीज़ों के बारे में वो जानकारी दी गई, किसके बारे में उसका इम्पोर्टेंस बताई गई, उसके स्पेशलिटीज बताई गई है, उसके फीचर्स बताए गए हैं, क्या बताए गए हैं, वो सारी बातें। अब बात करते हैं हम सबसे पहले नोट्स बनाने की। तो हमने बात की थी कि हमें सबसे पहले पूरे पैराग्राफ को रीड करना है, अच्छे से रीड करने के बाद हमें इसमें से मैन मैन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जैसे सबसे पहले देखिए, कोलेस्ट्रॉल इज ए वैक्सी सबस्टेंस, तो यहाँ कोलेस्ट्रॉल क्या है, वैक्सी सबस्टेंस है दैट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ओके, कोलेस्ट्रॉल के लिए बात आ रही है ना, हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, अब देखिए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बट किसका है, ऑफ अवर सेल वॉल्स एंड अदर टिश्यूज, ये भी अंडरलाइन किया हमने। बट इट इज थॉट टू बी हार्मफुल इफ इन एक्सेस, यदि इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये हानिकारक भी होता है, तो ये यहां पर हार्मफुल इफ इन एक्सेस, ओके। फिर देखिए, इट कैन लीड टू ब्लॉकेज, अब किधर ले जाता है ये, लीड टू ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज किसकी वजह से होते हैं, बाय प्लैक इंफॉर्मेशन, और वो किसके जरिए, इन द हार्ट आर्टरीज कॉजिंग हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक्स। इस तरीके से हमने एक पैराग्राफ में ये वर्ड्स को अंडरलाइन किया। आपको बता दूं, जितने आप स्टूडेंट्स बैठे हैं इस काम को करने के लिए, सभी स्टूडेंट्स के जो पॉइंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ऊपर नीचे अलग अलग होंगे, लेकिन हाँ लिखे हुए सेम होंगे, लेकिन सबका माइंड अलग अलग चलेगा इसके अंदर, सबका सेम किसी का भी नहीं बनेगा। और जब तक आप 2 या 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे इसकी, तब तक आपके नोट मेकिंग समझ में नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले हम नोट्स, सपोज कीजिए हमने कोलेस्ट्रॉल को मैन हेडिंग बनाया, तो यहाँ हल्का सा इशारा कर दिया हमने MH, क्योंकि कभी नीचे चले जाते हैं फिर वापस ऊपर आते हैं, तो देखते हैं कि सर वो मैंने कौन सी मैन हेडिंग बनाई थी, मुझे याद नहीं आ रही है, तो हमने यहां पर लिख दिया कोलेस्ट्रॉल। ये देखिए, कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल के बाद ये तो हमारी हो गई मैन हेडिंग। अब मैन हेडिंग के बाद हमें लिखना है सब हेडिंग, यानी सब सेक्शन, उसको रोमन संख्या में अपने को लिखना है। सब सेक्शन में देखिए, सबसे पहले वैक्सी सबस्टेंस प्रेजेंट इन अवर बॉडी, तो यहां हम लिख देंगे इतना ही, वैक्सी सबस्टेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ये लीजिए, ये लिख दिया हमने। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ, सेकंड हमारे पास अगर कोई है तो देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसका है, सेल वॉल एंड द टिश्यूज, तो यहां लिखेंगे हम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अभी इंपोर्टेंट कंपोनेंट किसका हुआ, तो यहां हम इशारा कर देंगे इसमें सेल वॉल्स, एंड आपको इस तरह से लिखना है एंड अदर टिश्यूज, एंड अदर टिश्यूज, ये लीजिए। अब अगर नंबर 3 कोई बन रहा है तो देखिए, ये रहा पॉइंट हार्मफुल इफ इन एक्सेस, तो यहां पर नंबर 3 पॉइंट हमारा बन जाएगा हार्मफुल, हार्मफुल इफ इन एक्सेस, ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया। अब लीड टू ब्लॉकेज कास्ड बाय प्लैक इंफॉर्मेशन, तो फोर्थ पॉइंट हम बना सकते हैं लीड टू ब्लॉकेज, अब ये किसके द्वारा होता है, कास्ड बाय प्लैक इंफॉर्मेशन, और प्लैक इंफॉर्मेशन में आप यह शो कर सकते, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप इस तरीके से लिख सकते हैं बाय प्लैक इन द, किस में होता है, हार्ट डिजीज में हो गया, हार्ट आर्टरीज कॉजिंग हार्ट डिजीज एंड हार्ट अटैक्स,
ये हॉट आर्टरीज, आर्टरीज मतलब लैक्स ब्रांड जो आपके हो गए, इनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ए के अंदर आपने लिख दिया हॉट आर्टरीज, अगर एक साथ बताया जाए तो। बी लगा के लिख दिया आपने हार्ट डिजीज, और सी लगा के लिख दिया आपने हार्ट अटैक्स। सॉरी, इसको हम चेंज भी करके लिख सकते हैं कि हम बता भी सकते हैं कि प्लैक इंफॉर्मेशन के कारण हार्ट आर्टरीज में लैक्स और ब्रेन के अंदर हुआ है, या फिर इसको, और फिर इसको हार्ट किसके कारण हुआ है, ये कॉजिंग कारण है यहां पर देखिए हार्ट डिजीज एंड हार्ट अटैक्स। आपको बता दूं इसको आप यहां पर चेंज भी कर सकते हैं कि ये जो कारण है हार्ट आर्टरीज का वो किसके जरिए है हार्ट आर्टरीज। तो आपने जो लिखा है यहां पर हार्ट आर्टरीज, ये आप यहां इसको ये इस तरह से भी शो कर सकते हैं कॉजिंग हार्ट आर्टरीज। अब हार्टरीज के अंदर दो पॉइंट आ गए आपके ए और बी, इस तरीके से शो कर सकते हैं आप हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक्स। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट मैन हेडिंग के साथ उसके सब हेडिंग का नोट्स कंप्लीट हुआ। ये तो सिर्फ एक पैराग्राफ की बात थी स्टूडेंट्स, अभी अपने को और पैराग्राफ के बारे में करना है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा कि सर ये हम कितनी ले, मैन स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा था ये मैन हेडिंग कितनी होनी चाहिए, सब हेडिंग तो जितने ज्यादा आपके पैराग्राफ है उस एक पैराग्राफ में आपको दो मैन हेडिंग भी मिल सकती है और आप एक भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है उसके सब हेडिंग पर उसके छोटे पॉइंट आपको कितने मिल रहे हैं। अगर आपने जैसे ये मैन हेडिंग चूज की है तो इस मैन हेडिंग के शो सब पॉइंट जो सब हेडिंग है वो भी मिलनी चाहिए आपको, कि जो ये वर्ड है ये आपने लिए है सब हेडिंग सब सेक्शन के, ये सारे इससे रिलेटेड होने चाहिए। यहां जो मैन हेडिंग दे रखी है ना इससे रिलेटेड होने चाहिए, तब जाके आपके नोट्स करेक्ट होंगे। इस तरीके से आपको एक लाइन यहां पर छोड़नी है, एक लाइन छोड़ने के बाद यहां पर नंबर दो फिर आप लगाएंगे, नंबर दो सेकंड मैन हेडिंग लेंगे फिर उसके पॉइंट आ जाएंगे, फिर आप नंबर तीन लेंगे फिर उसके पॉइंट आ जाएंगे। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे और ये आपके छह नंबर पूरे दिलाने में काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो स्टूडेंट्स अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि ये तो मान लो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड पैराग्राफ है, बहुत से पैराग्राफ ऐसे तो काफी टिपिकल होते हैं जिनके अंदर मैन हेडिंग को फाइंड करवाना काफी डिफिकल्ट होता है, तो देखिए इसके लिए आप अपने टीचर्स की हेल्प ले रख सकते हैं, मेरी हेल्प ले सकते हैं आपके लिए। आप व्हाट्सएप के मेरे नंबर रहेंगे, उस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं उस पैराग्राफ को और मैं आपको बता भी दूंगा कि हाँ भाई कि इसमें कौन सी। तो ये इस चीज के लिए आप नो टेंशन रहना कि हमारे सामने कोई अगर टिपिकल पैराग्राफ आ गया तो हम उसको किस तरह से तैयार करें। ओके, तो ध्यान से इस पैराग्राफ की प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से अगर आपके पास जो भी नोट मेकिंग के पैसेज है आप उनके घर पे बैठे प्रैक्टिस कीजिए और हमें अपना होमवर्क चेक भी करवाइए और अपने इस लॉकडाउन के टाइम जो आपका जो समय चल रहा है इसको वेस्ट ना कीजिए। अगर आपने इस टाइम को वेस्ट कर दिया तो आपके करियर में ये बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है, तो अपने करियर का भी स्पेशली ध्यान रखिए और जुड़े रहिए डीके सर के साथ।